सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है कि नूर मुकद्दम के जो अलेजेडली किलर हैं, वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, अलेजेडली जो किलर हैं उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। या सियालकोट बार कहती है ये वो लोग हैं जिनको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी इन द लिंचिंग केस। आई थिंक जो हमें प्रोफेशनल एथिक्स बताते हैं, वंस योर क्लाइंट कम्स टू यू एंड सेज आई एम नॉट गिल्टी, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर intuitions, your perception, your sixth sense, your premonition is, he deserves your representation. This is the standard, this is the practice all over the world. मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हर वकील को जज बन जाना चाहिए if he is doing well. पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा for instance शौक बोलना है तो मैंने वहाँ खड़ा होना है, यहाँ बैठ के तो सिर्फ सुनना पड़ेगा आपको, बोलना शायद मुनासिब नहीं है। आपने जो करना है वो लिखना है, वो आपके फैसले बोलने चाहिए, आप नहीं बोल सकते, आपका बोलना ख़त्म हो जाएगा जिस दिन वहाँ से यहाँ आ गए। तो वो भी दिन चले गए जब कहा जाता था कि क्रिमिनल प्रैक्टिस फाइनेंशियली या मॉनेटरली इतनी रिवॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल है, बट ओनली इफ़ यू मेक इट टू द टॉप। आपने सरफेस पे रह के स्विमिंग करनी है कि मैं सिर्फ बेल्स और रिट पिटिशंस का वकील हूँ फौजदारी का, या आपने डीप सी बेड में जाना है कि मैं इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेट ट्रायल्स अपील्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गहराई में फौजदारी जानता हूँ मैं वो करूँगा। फौजदारी भी दो किस्मों की है, सरफेस पे रह के करने वाली, दरमियान में रह के करने वाली और डीप सी बेड में। और हर फौजदारी का, हर लिटिगेशन का क्लाइंट है, जिन्होंने 2020 का राउंड खेलना है उनकी भी प्रैक्टिस है, जिन्होंने वनडे का मैच खेलना है उनकी भी है, और सबसे नीचे टेस्ट मैच है, ये जी एक ट्रायल चल रहा है। टेंशन और लाइमलाइट काफ़ी रहती है क्रिमिनल लॉयर्स के ऊपर, और ये बात दुरुस्त है, आप लाइमलाइट में रहते हैं, आपको तवज्जो मिलती है, आप इनडायरेक्टली इतना कुछ लर्न कर रहे होते हैं एक चेंबर से। आप ये सीख रहे होते हैं मेरा उस्ताद बैठता कैसे है, वॉक कैसे करता है, क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, कितना मशवरा देता है पहली मुलाकात में, केस कैसे इंगेज हुआ जाता है, कौन सा केस एक्सेप्ट किया जाता है, कौन सा केस रिजेक्ट किया जाता है। आपका उस्ताद सिखाएगा आपको कि आपने घूर के देखना है तो अपने नोट्स और फाइल को देख लो, मुखालिफ वकील या मुखालिफ लिटिगेंट को उसको आई कांटेक्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लेना है आपने उससे, ही इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, लुक मी इन द आई, यू डोंट हैव टू लुक हिम इन द आई। सो ड्राफ्टिंग होल्ड्स एनॉर्मस इम्पोर्टेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल। आजकल ट्रेंड है लिखकर भी कुछ नहीं दिया जाता, केस लॉ असिस्टेंस भी नहीं दी जाती, ग्राउंड्स में भी कुछ नहीं लिखा जाता। एंड आई ऑलवेज इनकरेज माय एसोसिएट्स दैट यू मस्ट पुट योर केस इन ग्राउंड ए बी सी डी ई, ज्यूरिसप्रूडेंस वुड फॉलो लेटर। जजेस डोंट हैव मच टाइम द नाइट बिफोर, और उनको पता होता है कि कौन से वकील साहब हैं जिनका ड्राफ्ट पढ़ना है। मैं आपको एक जज साहब की बात बताता हूँ, कहते हैं मैं रात को कॉज लिस्ट देखता हूँ और मैं वकीलों के नाम पढ़ता हूँ, मैं वकीलों के नामों पे टिक लगा देता हूँ कि ये वो वकील है जिन्होंने असिस्टेंस दी होगी, और वो बहुत कम है, उनका मैं ड्राफ्ट पढ़ लेता हूँ। मैं नहीं समझता कि जो जज साहब केस पढ़ के आते हैं वो सुबह बैठ के माइंड बनाते हैं। नेवर गो आउट ऑफ द वे टू सिक्योर अ कन्विक्शन और एन एक्विटल फॉर योर क्लाइंट। रहमान रहीम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टुडे। It's a matter of great honor to be present here and talking to you. I appreciate the initiative and the effort on part of the Pakistan Debating Society to organize this event, where I would be sharing my experiences, my observations, and I would also be very happy to address your concerns and questions if you may have regarding criminal practice and criminal litigation. Very briefly, I would introduce myself and the background. From day one, I have been practicing exclusively on the criminal side. And when I was doing my LLB at the London School of Economics, I identified criminal law as the area for myself. I did not do any internship or any summer placements in my academic year. However, I was committed and resolute from day one that I would be doing criminal practice. And these are the days when criminal practice was not considered as a very popular route. Corporate practice and civil practice was given preference over criminal law
This is at the very beginning of 1990 when I 1995 I did my law, 98 I started my bar school, and then I worked in England in Crown Court attendance, once again working on the criminal side. My pupil master, late Khwaja Sultan Ahmed, legendary criminal practitioner, outstanding contributions in criminal law, in providing justice to innumerable aggrieved litigants, High Court and Supreme Court, number of high profile cases. Late Khwaja Sultan has been associated with, and then I worked with Khwaja Saab for 3 years as an active associate, and for 7 years I was a passive associate, in a sense that I was still associated, still very much in contact with my pupil master, seeking guidance at every turn of my career, wherever I required, and I was directionless, so I had a good liaison with my office even after leaving the office. My journey as a criminal lawyer, I was consistent and focused on criminal law only and exclusively. And perhaps this is one of the reasons that I consistently followed one line, and I consider myself very fortunate that I have the honor of representing clients in some of the most notable and some of the most high profile cases of Pakistan so far, including Benazir Bhutto's assassination, General Pervez Musharraf, Khadija Siddiqui, and the Gilani family, and innumerable murder cases, more than 2500 murder appeals in the High Court, and then the current ongoing Jahangir Tareen's the sugar scam criminal prosecution initiated by the Federal Investigating Agency. Now the audience that I am talking to directly in the form of, you know, sitting before me, and those who would hear me through Kanundan and various other modes through the internet, this conversation could be very useful for you, because very regularly I get a knock on my door with a young, budding, directionless lawyer approaching, seeking guidance, expressing his enthusiasm to become a criminal practitioner, criminal lawyer, and I always take out time for this advice, but then this talk is for everyone all over Pakistan. If you ask me why did I become criminal lawyer, I was very clear in those days that monetarily it is not very rewarding profession. I was very clear that only few make it to the top, unlike civil litigation, where there would be hundreds of lawyers very satisfied, very content, doing exceptionally well and no one knowing them. But criminal practice is altogether different. In any city, any province, you will not come across more than 5 to 7 criminal practitioners and no more. Just count on your, it will be on your fingertips. So for me, I have a very clear recollection. When I was 4 years old, I have a story in my mind. I was told, I heard from my family, and the story was, where I still live, this is on Ryvind Road, right next to UCL, and just opposite UCL, ek chowk hai jiska naam Bisharat chowk hai. To wahan par, this is 1979 or 80, when I was probably in nursery or KG. To wo pata laga ke dushmanon ne zameen ke tanaze pe, Satto Katla has always been a notorious area when it comes to land
डिस्प्यूट्स एंड लैंड लिटिगेशन, ये सत्तो कत्ले के इलाके में जो साहब थे वो अपनी सफ़ेद घोड़ी पर वो फिर रहे थे। उस वक़्त खेत होते थे, रायबंद रोड UCL यूज़ टू बी खेत दूर दूर तक। तो दुश्मन जो घात लगाए वहाँ बैठे थे, उन्होंने 222 के फायर से घोड़ी पर सवार इस शख्स को जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर मार दिया विद प्री मेडिटेशन। और फिर वो जो मुझे क्लियर रिकलेक्शन थी वो ये थी कि वो शख्स घोड़ी दौड़ाता अपने घर पहुंचा और घर आके सहन में गिर जाता है, और वहाँ से उसको उठा के अस्पताल लेकर जाते हैं जहाँ वो नहीं बच पाता। सो वो स्टोरी मेरे जेहन में, क्योंकि ये मेरे बचपन के दिन हैं, आपके दिन मेरे दिन से मुख्तलिफ हैं, आप 2021 की प्रोडक्ट हैं। आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, किस चीज़ ने इंस्पायर किया या कर रहा है टू बिकम अ क्रिमिनल प्रैक्टिशनर, वो कंसिडरेशंस वुड बी टोटली डिफरेंट। परहैप्स आपने कोई YouTube पर लेक्चर सुन लिया होगा, परहैप्स आपने OJ सिम्पसन का ट्रायल Netflix पर देख लिया होगा, आप नूर मुकद्दम के केस से इंस्पायर हो के कुछ ख्वातीन आ गई हैं कि हम भी क्रिमिनल लॉयर बनना चाहती हैं, या कुछ लोगों ने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी बिग विग्स पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट्स सच एज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ, एंड देन द नेक्स्ट जनरेशन, मरियम नवाज साहिबा किया, हमजा शहबाज किया, बिलावल भुट्टो की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस देख के इंस्पायर हो के इम्प्रेस हो के तो फौजदारी में आप लोग आना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स ज़रूर देखा करें, बहुत कुछ है नेटफ्लिक्स पे फॉर क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स एंड फॉर यू नो शार्पनिंग एंड इम्प्रूविंग योर एनालिटिकल स्किल्स, बहुत ज़रूरी है, इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। क्रिमिनल प्रैक्टिस को मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ, इट इज़ नो वॉक इन द पार्क। कोई भी लिटिगेशन जो है वो आसान नहीं है। लिटिगेटर बनना आज के दिन में हमेशा से ही चैलेंजिंग था। 2021 के डायनामिक्स, 2021 के जो हालात मैं देख रहा हूँ, इसमें लिटिगेटर बनना मुश्किल है। यूनिफॉर्म लोग बहुत शौक से पहन लेते हैं, मगर यूनिफॉर्म को पहने रखना बड़ा मुश्किल काम है कि आप उसको विद कंसिस्टेंसी विद रेगुलरिटी विद पंचुअलिटी एंड विद क्लियर हेडेड फोकस्ड होके, मैं यही समझता हूँ, ये जिसके पास और एवेन्यूज आ जाते हैं और सोचें आ जाती हैं वो गिर जाता है इस लिटिगेशन के इस रास्ते में। सो आपको कम व्हाट मे एज अ लिटिगेटर, आपको फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और मैं वो एक मूवी से, जब भी मैं मूवी देखता हूँ मुझे एक लिटिगेटर याद आ जाता है, लाइफ ऑफ पाए देखें कभी, कि वो क्या मूवी है लाइफ ऑफ पाए। तो इट इज़ लाइफ ऑफ लिटिगेटर इज़ लाइफ ऑफ पाए, देर आर हाइज एंड देर आर लोज, एंड आप एक जर्नी है जो आपने तय करनी होती है, और ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। ये जर्नी सबसे पहले तो आपके लिए तब शुरू हो सकती है जब आप अपने लॉ कोर्स के दौरान आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सिविल, यू नो एनवायरमेंटल, कंपनी लॉ, आप आइडेंटिफाई करते हैं अपना एप्टीट्यूड और अपना बेंड ऑफ माइंड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एंड इफ इट इज़ क्रिमिनल लॉ, कोई भी फैसला जल्दबाजी में या उजलत में किया हुआ फैसला वो मुनासिब नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ योर करियर। सो मैं हर लॉयर को ये कहता हूँ कि सबसे पहले रुकें, करियर स्टार्ट करने से पहले पहले ये सोचें कि डू आई रियली वॉन्ट टू बिकम अ लॉयर, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने वकील भी बनना है या नहीं बनना, कि मैंने CSS करना है या मैंने बिजनेस करना है या मैंने टीचिंग करनी है या मैंने कुछ और करना है, देयर सो मेनी अदर वेज।
यू नो टू अर्न अ लाइवलीहुड, तो आपने सबसे पहले डिसीजन जो करना है क्या मैंने लॉ करना है या नहीं करना। लॉ करने के बाद दूसरा फैसला, बड़ा क्रूशल फैसला हर वकील की ज़िंदगी में, मैंने कंटेंशियस वर्क करना है या नॉन कंटेंशियस वर्क करना है। कंटेंशियस मतलब मैंने लिटिगेशन करनी है या मैंने नॉन कंटेंशियस वर्क करना है, मैंने चेंबर वर्क करना है, मैंने अदालतों का रुख नहीं करना, मैंने जजों के आगे नहीं पेश होना, मैंने एडवोकेसी नहीं करनी। वैसे ये वो ऑडियंस नहीं है जो मेरे सामने बैठी है जो कहे हमने बोलना नहीं है, ये वो ऑडियंस है जो कहती है कि माइक आप बंद करें और हमें दें, हम बोलना चाहते हैं। जो मुझे महसूस हो रहा है इस फोरम पे, डिबेटिंग सोसाइटी है ना, सो डिबेटिंग सोसाइटी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सो आप वो मोर हैं कि आप, यू गाइज बिलोंग टू द कोर्ट्स, अगर इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ एडवोकेसी। और आपने मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हर वकील को जज बन जाना चाहिए इफ़ ही इज़ डूइंग वेल, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा फॉर इंस्टेंस शौक बोलना है तो मैंने वहाँ खड़ा होना है, यहाँ बैठ के तो सिर्फ सुनना पड़ेगा आपको, बोलना शायद मुनासिब नहीं है। आपने जो करना है वो लिखना है, वो आपके फैसले बोलने चाहिए, आप नहीं बोल सकते, आपका बोलना ख़त्म हो जाएगा जिस दिन वहाँ से यहाँ आ गए। तो ये भी आपने सोचना है कि एज लिटिगेटर यू विल ऑलवेज गेट टू स्पीक, यू विल ऑलवेज गेट टू आर्ग्यू, यू विल ऑलवेज गेट टू प्रेजेंट द केस ऑफ योर क्लाइंट कन्विंसिंगली, परसुएसिवली यू वुड आर्ग्यू एंड प्रेजेंट हिज केस। तो क्रिमिनल लॉ में आने से पहले पहला फैसला, मैंने वकील बनना है नहीं बनना, दूसरा फैसला, मैंने यूनिफॉर्म पहननी है या नहीं पहननी, तीसरा फैसला कि अगर यूनिफॉर्म पहननी है तो मैंने कौन सी वकालत करनी है, मैंने सिविल प्रैक्टिस करनी है या मैंने क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है। एक वक्त था जब क्रिमिनल प्रैक्टिस सिर्फ चंद एक क्रिमिनल पीनल ऑफेंसेस तक महदूद थी, आज भी है। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि पाकिस्तान पीनल कोड में कितने जुर्म हैं तो बता सकते हैं आप लोग अंदाजन? मोर देन 500 आई थिंक। मगर अगर मैं कहूं कि पाकिस्तान में सिर्फ 15 से 20 जुर्म हैं जिनकी कंप्लीट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस होती हैं, बाकियों की नहीं होती, तो ये शायद दुरुस्त हो बात। Only few offences witness complete trials in Pakistan. Very few. Offences against the person, offences against the property, maybe religion, बस बहुत सारे offences हैं जो सिर्फ criminal case register होने की हद तक चलते हैं, बहुत सारे criminal case हैं जमानतों की हद तक चलते हैं, और फिर बहुत कम cases हैं जो parties end तक, logical conclusion तक एक जुर्म को, एक criminal trial को लेकर जाती हैं और कहती हैं कि हम इसको कंक्लूड करेंगे चाहे बेल हुई है या नहीं हुई। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कलैप्स नहीं होती, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड तक बहुत कम जुर्मों में चलती है। तो शुरू में जब वकालत मैंने जब आगाज़ किया तो चंद एक जुर्म थे, मगर अब वो सिचुएशन नहीं है। अब आपने अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करनी है तो ये भी सोचना है कि देर इज़ वायलेंट क्राइम, देर इज़ नॉन वायलेंट क्राइम, देर इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, देर इज़ साइबर क्राइम, देर इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम, ट्रेडमार्क वायलेशंस, देर इज़ डेफेमेशन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। आई होप कि वो परवान चढ़े, उस पर भी काम होना चाहिए। सिर्फ डेफेमेशन इज़ वन रॉन्ग विच इज़ बोथ यू नो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। आपने मर्डर केसेस करने हैं, आपने नैब करना है, आपने एंटी करप्शन करना है, आपने दहशतगर्दी करना है, आपने कस्टम्स करना है, आपने इवन टैक्स लॉज में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो हैं वो शुरू हैं। सो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अब 302 कत्लो गारत तक महदूद नहीं है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये अभी जो मैं करंटली जो केस कर रहा हूँ शुगर स्कैम का, इट इन्वॉल्व्स मर्जर एक्विजिशंस और उसके ऊपर फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ये लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं 2021 के, ये प्रोसिक्यूशंस पहले नहीं हुई हैं।
फर्स्ट टाइम इनिशिएट हो रही। सो क्रिमिनल लॉ भी यूं नहीं चल रहा, क्रिमिनल लॉ भी यूं है। और वो भी दिन चले गए जब कहा जाता था कि क्रिमिनल प्रैक्टिस फाइनेंशियली या मॉनेटरली इतनी रिवॉर्डिंग नहीं है। बिल्कुल है, बट ओनली इफ यू मेक इट टू द टॉप। जो मैंने शुरू में बात बता दी, क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक सबसे बड़ी डाउन साइड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने अंडरस्टैंड किया प्रैक्टिस को, एट अ टाइम 4 से 5 लोग कामयाब हो पाते हैं फौजदारी में, इससे ज़्यादा मैंने अभी तक देखे नहीं हैं। सिविल में, कॉरपोरेट में जो है ज़रूरत ज़्यादा है और ज़्यादा चांसेस और ज़्यादा स्कोप है फॉर समवन टू बी सक्सेसफुल। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ और इंग्लिश लॉ को पढ़ना और देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैं टाइम का मैं मैक्सिमम बातें करूँगा, मैं आपको लिखवा नहीं सकता, बट यू हैव टू रीड द ऑल टाइम फेमस ज्यूरिस्ट जिनकी आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन डिफाइनिंग क्रिमिनल कॉन्डक्ट फ्रॉम माई फेवरेट क्लार्कसन एंड कीटिंग्स, स्मिथ एंड होगन, सेमेस्टर एंड सलेवन, ग्लेनविल विलियम्स और लेटेस्ट जो विलियम विल्सन इज अनदर ऑथर। सो मैंने 5 ऑथर्स तो अभी बता दिए हैं जो इंग्लिश ऑथर्स हैं, सबका ओरिजिनल वर्क, आउटस्टैंडिंग वर्क, डिफरेंट वर्क ऑन द क्रिमिनल साइड। सो उसको ज़रूर देखें, साथ ही साथ लॉ ऑफ एविडेंस को ज़रूर देखें, मॉडर्न एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, एडमिसिबिलिटी एविडेंस भी साथ साथ इंग्लिश ऑथर्स को ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद देन कम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आप ऑफ कोर्स द कॉमेंट्रीज, नॉट द मेजर एक्ट्स, 3-volume कॉमेंट्रीज, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, एंड देन द स्कैटर्ड लॉ जो आपको मुख्तलिफ, जैसे CNSA का लॉ है, जैसे एंटी टेररिज्म का लॉ है, जैसे एंटी करप्शन का लॉ है, ये सेपरेट प्रोविजंस हैं, जैसे साइबर क्राइम का लॉ है, ये PPC में नहीं मिलेगा, ये आपको थोड़ा सा स्कैटर्ड मिलेगा। सो अब पाकिस्तान के लॉ को जो है वो पढ़ना, देखना, वो देखें, शुरू करें। सो अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है क्रिमिनल लॉ में, सबसे पहले तो आप इसको ऐसे जज कर लें, अब आप लोग माशाल्लाह स्मार्ट लोग हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्विक है। सो मैं नहीं समझता कि 3 दिन अगर आप एक दफ्तर ज्वाइन करें या एक उस्ताद को ज्वाइन करें तो 3 दिन में बड़ा कुछ पता चल जाता है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। अक्सर लोग नौकरियां छोड़नी होती हैं तो 4th day नहीं आते काम पे, 3 दिन वो देख लेते हैं। सो 3 days तो मैं बहुत कम टाइम बता रहा हूँ, बट ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर समर प्लेसमेंट्स करें, हैव अ फ्लेवर ऑफ क्रिमिनल लिटिगेशन के वो क्या है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या है, सेशन कोर्ट क्या है, डायरेक्टली समझें कि डायरेक्टली आपका जहाज़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं लैंड कर सकता, उसने छोटी अदालतों में पहले जाना है, कि क्या वो छोटी अदालतें और वो जो कहते हैं कि हम जब जाते हैं तो सुबह तो शर्ट सफ़ेद होती है और जूते काले, तो शाम को शर्ट काली होती है और जूते सफ़ेद, तो वो करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, फिर बड़ी कुर्सी पर बैठने का आपका हक भी है, राइट भी है, कि यू हैव गॉन थ्रू द मिल, सब चीज़ें आपने देखी हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि मैं 2 से 3 सवाल ऑफ कोर्स जो ज़रूर लूँ, कि अगर आपके दिल दिमाग में कोई सवाल आता है जो आप पूछना चाहें टूवर्ड्स द एंड, नॉट नाउ। मैं फ़िलहाल जो है वो फ्लो में जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ वो मैं ज़रूर अपनी ख़त्म करूँगा पहले। सो लॉ कोर्स के अंदर, लॉ डिग्री के अंदर अपना एप्टीट्यूड अच्छे तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लें कि आप क्रिमिनल लॉ करना चाहते हैं या नहीं। टेक ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू डिसाइड वेदर यू वांट टू टेक द प्लंज और नॉट, मगर ये वो मैराथन है जो शुरू करके, भागना शुरू करके तो फिर करियर ख़राब तब होता है, ख़राब ही करियर तब होता है जब आप लेन स्विच करते हैं, जब आप कहते हैं मैं सिविल नहीं क्रिमिनल करूंगा, मैं ये नहीं मैं वो करूंगा, मैं ये उस्ताद नहीं वो उस्ताद चुनूंगा, करियर तब ख़राब होता है। सो आप लोग लॉ कोर्स के दरमियान
लॉ डिग्री के अख्तिताम पे अपना बकायदा आगाज करने से पहले, हेस्टी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह पहले सोच लें कि आपने किसके साथ काम करना है। और ये सिर्फ आपकी मर्जी नहीं है, मैं ये भी आपको वार्न करता चलूँ, ख़तरनाक बात बताने लगा हूँ आपको। इंग्लैंड में जब हम बैरिस्टर्स बनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि बैरिस्टर बना दिया जाए, थैंक यू वेरी मच, काम नहीं सिखा सकते, देर इज़ नो प्यूपलेज फॉर यू, देर इज़ नो इंटर्नशिप फॉर यू। मैं पाकिस्तान भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन देख रहा हूँ। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक साल में कितने लॉ ग्रेजुएट्स बाहर आते हैं पाकिस्तान में, लाहौर में फॉर इंस्टेंस, अंदाजन? अगर मैं कहूँ 1500 से 2000 लॉ ग्रेजुएट आता है मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस से, लाहौर में आता है, देर इज़ गुजरांवाला, देर इज़ शेखुपुरा, देर इज़ कसूर, देर इज़ यू नो एडजॉइनिंग सिटीज़, एंड देन देर आर 8 to 10 पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ, दिस कायद आज़म कॉलेज ऑफ लॉ, पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर एक्सटर्नल, मिला जुला के 1500 बीमार आते हैं। तो अनार कितने हैं काम सिखाने वाले, चेम्बर्स कितने हैं जिन्होंने आपको अकोमोडेट करना है या अच्छा वकील बनाना है? नो मोर देन 40 or 50 इन लाहौर। सो 2000 बच्चा है और 40 चेंबर है, तो यू हैव टू बी रियली गुड एज वेल इन ऑर्डर टू सिक्योर योर पोजिशन एज एन एसोसिएट इन अ गुड लॉ फर्म। यू हैव टू अपीयर वेरी वेरी कमिटेड, वेरी इम्प्रेसिव, विद वेरी गुड रिजल्ट, विद द स्पार्क विच अ पीपल मास्टर कैन आइडेंटिफाई इन यू, कि टाइम वेस्ट नहीं करोगे। टाइम वेस्ट करने वाले पर उस्ताद मेहनत नहीं करना चाहता, उसको नहीं सिखाना चाहता। सो आपने अपनी सीरियसनेस और कमिटमेंट देनी है कि सोच समझ के आए हैं, यही काम करना है, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। ये तो मैंने आपको पहली बात बता दी, करियर ख़राब होता ही उसका जो मैदान छोड़ के जाता है या अपनी लाइन बदलता है। कम एक्सेप्शंस हैं जिनका करियर बच पाता है। तो सिविल करना है सिविल करें, क्रिमिनल करना है क्रिमिनल करें, मगर अगर चाय ऑर्डर की है तो वही पिए एंड तक, छोड़कर आधी कॉफ़ी ना मंगाएं कि अब चाय नहीं अब कॉफ़ी पीऊँगा, ना चाय का पता लगेगा ना कॉफ़ी का पता लगेगा। सो ऑर्डर केयरफुली, ऑर्डर वंस एंड देन फिनिश व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू। प्यूपलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्रिमिनल प्रैक्टिशनर के साथ प्यूपलेज करना, और कुछ ना उसमें कोई ज़िम्मेदारी आपकी ना लगाई जाए। आपकी सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो है टू इंटरैक्ट विद योर पीपल मास्टर, टू इंटरैक्ट विद द सीनियर्स, टू इंटरैक्ट विद द अदर एसोसिएट्स, टू वॉच द ऑपरेशन ऑफ द ऑफिस, टू फॉलो योर पीपल मास्टर, टू शेडो योर पीपल मास्टर, जस्ट टू वॉक विद हिम, जस्ट वॉच हिम टॉकिंग। सो सिर्फ वॉच करना, सिर्फ ऑब्जर्व करने से You will understand ये is this really what I want to do or not? ये आपको पता चल जाएगा अपनी internships और pupillage के दौरान। और फिर एक और बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप successful हैं, जब आप वकील बन के बाहर आते हैं तो आपकी एक ऑलरेडी इक्वेजन और रेपो बनी होती है उसके साथ जिसके चैम्बर में आपने इंटर्नशिप की होती है। आपको associate की position आसानी से आप सिक्योर कर पाते हैं, आपका तारुफ होता है, प्रायर इंट्रोडक्शन होता है। जैसे दो लोग मुझे अभी मिल गए, वो शेरोज़ मिल गया, एक और बच्चा मिल गया, तो मैंने कहा यस आई नो यू, आप लोग मेरे साथ काम करके गए, कल को वो सीरियस हैं प्रोफेशन में आते हैं, तो आई वुड वेलकम देम कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हैं। जैसे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की कंसर्न्स और एप्रीहेंशन होती हैं, किसका दफ्तर ज्वाइन करें, किससे काम सीखें, कौन बताएगा, कौन सिखाएगा, तो हम भी यही सोचते हैं कि कौन सीखेगा, कौन टिक के सीखेगा, कौन साबित कदम रहेगा और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, ज़िंदगियां बहुत टफ होती जा रही हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, 2021 है, डायनामिक्स चेंज्ड हैं हर तरफ, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज्ड है और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस बदल चुकी हुई हैं। तो आप लोग अपने
करियर में बड़ा फोकस्ड हो के, मैं हैरान होता था, मैं जैपनीज से पूछता था और जर्मन से पूछता था कि तम लोग खुदकुशियाँ क्यों करते हो। उन्होंने कहा हम खुदकुशियाँ इसलिए करते हैं कि हम अगर ए ग्रेड नहीं लेंगे तो वी विल बी जॉबलेस एंड इट्स बेटर टू डाई इफ़ यू आर जॉबलेस इन जापान। सो आई अंडरस्टूड कि ये लोग ऑर्डनरी मेहनत, ऑर्डनरी एफर्ट से, ये लोग सेम इज़ द केस विद जर्मन्स, परफेक्शनिस्ट्स, प्रसिजन से काम करने वाले लोग। जर्मन आप वो देख लें, अभी पूछते हैं कि ये चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है सर, दिस इज़ जर्मन प्रोडक्ट, बड़े कॉन्फिडेंस से बताया जाता है कि जर्मन है। तो जर्मन क्यों है? बिकॉज वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते किसी भी चीज़ पर। तो मैं आपको क्रिमिनल प्रैक्टिस के मुतल्लिक एक बात बड़े यकीन और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं आज सुबह भी जब उठा, हालांकि सैटरडे था, मेरा कोई केस नहीं था, बट आई वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट आई एम कमिंग एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हैप्पी इन द मॉर्निंग एंड यू फील लाइक गोइंग टू द वर्क रादर देन कि क्या मुसीबत है, काम पे जाना पड़ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्जॉय योर वर्क, वो काम करें जिसमें दिल है, टाइम ही वो आ रहा है आप लोगों का। ज़बरदस्ती वाला तो अब मैं सुनता हूँ, हमें तो डंडे से बताया जाता था तुमने यही करना है और कुछ नहीं कर सकते तुम। आजकल तो पेरेंट्स कहते हैं 10 में से 10 पेरेंट्स जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो ये कह रहे हैं आज़ाद है जी बच्चा है, जो अदा दिल करे, इन्हें ड्रामे बनाने ने, म्यूजिशियन बनना है, रॉक स्टार बनना है, इसने टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। ये चीज़ें बदल गई, ये पहले ऐसा नहीं था। तो आप लोग विद लॉट ऑफ मोटिवेशन, बट व्हाट आई कैन अश्योर यू, ऑर्डिनरी मोटिवेशन, ऑर्डिनरी पैशन, ऑर्डिनरी कमिटमेंट हैज नो प्लेस इन लिटिगेशन, हैज नो प्लेस इन क्रिमिनल लॉ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैशन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबर और कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने इस प्रोफेशन को कम से कम 3 साल मिनिमम अपना आप देना है, दिन रात अपनी कमिटमेंट देनी है, कमज़ोरी बनना है उस्ताद की। और मैं मेरी रीडिंग, मैं चाहता हूँ कि मेरी रीडिंग और बढ़े, मगर मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ विद गुड प्रोग्राम्स। सो आई वॉज वॉचिंग द गुड डॉक्टर ऑन नेटफ्लिक्स, एक अच्छा प्रोग्राम है, टीम वर्क दिखाते हैं। सो टीम वर्क मैं भी करता हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मेरी टीम साथ बैठी हुई है, उन्होंने मुख्तलिफ आइडियाज़ दे, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं और एक टीम वर्क से काम करते हैं। सो वो जो डॉक्टर साहब हैं, वो द मेन सर्जन, द एमिनेंट सर्जन, जिसे सारी दुनिया ऑपरेशन कराना चाहती है, एक लड़का उन्होंने राइट पे खड़ा किया होता है और एक लड़की लेफ्ट पे खड़ी की होती है अपने, और वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पाइप मार के सक्शन कर रहे हैं, ब्लड बाहर निकाल रहे हैं, सक्शन, वो सारा ब्लड सक होके बाहर, बस। मगर पोजीशन क्या है, एक राइट है एक लेफ्ट है। जो राइट और लेफ्ट खड़ा कर दिया है ना प्रोफेसर ने अपने साथ, वो उनकी खुशकिस्मती है जो खड़े हो गए हैं, जो देख रहे हैं प्रोफेसर कर क्या रहा है, कर सिर्फ सक्शन रहे हैं, सिर्फ औजार पकड़ा रहे हैं, बाकी लोग पीछे खड़े हैं जो इतने कमिटेड नहीं है, इतने फोकस्ड नहीं है, इतने विलिंग नहीं है, इतने एंथुजियास्टिक नहीं है, उनको सक्शन का मौका नहीं मिल रहा। और आने वाले वक्त में आप बता दें कि जब वो डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो बड़ा डॉक्टर कौन बनेगा, जो सक्शन कर रहा है वो बनेगा। ये उसका टाइम शुरू होगा फर्स्ट हैंड खड़े होके वो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को कि कैसे। सो आपने अपने करियर के आगाज़ में ही आपने वो रोल लेना है, आपने वो पोजीशन लेनी है, आपने अपने चेंबर का, अपने उस्ताद का, अपने मेंटोर का, अपने प्यूपल मास्टर का, आपने जो है वो एक यू मस्ट लेंड हैंड एंड बी अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ असिस्टेंस वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। मैं आपको अगर
क्रिमिनल वर्क के मुतालिक अगर ये बताऊं कि आपने अगर क्रिमिनल प्रैक्टिस का इंतखाब करना है तो आज काफ़ी बड़े पैमाने पे ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं, बल्कि ख़वातीन की प्रेजेंस मैं ज़्यादा देख रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि ये एक बड़ा रूटीन का एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है और आता है कि इज़ क्रिमिनल लॉ द राइट फील्ड फॉर फीमेल्स एंड व्हाट फ्यूचर डू दे हैव इन दिस फील्ड। आई एम कन्विंस्ड और ये मेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद माई ऑब्जर्वेशन मैंने ये देखा है, मैंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मेहनती और कमिटेड फोकस्ड पाया है देन बॉयज़ इन द लॉ स्कूल्स एज वेल। पर मुझे अफसोस तब होता है जब अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर्स आई डोंट सी देम इन द प्रोफेशन। मगर प्रिडिक्शंस मैं कम करता हूँ, प्रिडिक्शंस तभी करता हूँ जब चीज़ों को कुछ देख रहा होता हूँ। मैं पोस्ट 2017-18 बहुत ज़्यादा ख़वातीन को इवन आफ्टर दे गेट मैरिड, इवन आफ्टर दे हैव चिल्ड्रन, आई सी देम मेकिंग अ कमबैक इन द प्रोफेशन। सो आई एम व्हाट आई फोरसी इन कमिंग ईयर्स, आई फोरसी फीमेल्स being very active in the legal profession, very active. This is my prediction and it has already started in 2017. Yes, usse pehle jo a decade and a half I did not see females and I recently went to hum KPK jaate hain, wahan female judges baithi hui hain, parda karke baithi hain, magar female judges hain, they are very authoritative, they are very assertive. And then Karachi, I was shocked to see Karachi and Karachi's atmosphere and welcoming response for the females. Bahut zyada Karachi mein. Same would be the case with Lahore in coming years, in my estimation. So, female lawyers, of course, aane wale waqt mein, main ye manta hoon ke is waqt thodi si जो टिल्ट होता है क्लाइंट्स का दैट इज़ टूवर्ड्स मेल अटर्नीज व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लिटिगेशन, बट आई सी मेनी क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स दे आर फीमेल जजेस माशाल्लाह हु आर डूइंग सो वेल। जस्टिस आलिया नीलम आई हैव लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हर एंड आई रियली अप्रिशिएट हर, शी इज़ वेरी क्विक इन अंडरस्टैंडिंग द इशूज एंड यू नो इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकेट इशूज। जितने मर्जी आप वो केस को घुमा लें वो आपको पकड़ लेती हैं। सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, सेम इज़ द केस विद मैनी क्रिमिनल प्रैक्टिशनर्स जो कि विद कंसिस्टेंसी काम कर रही हैं। सो ख़वातीन के लिए मैं बहुत गुंजाइश देख रहा हूँ आने वाले वक्त में। वाइट कॉलर क्राइम भी जो है वो आ रहा है, तो आपके लिए मैं तो समझता हूँ कि गुड डेज़ आर कमिंग, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो प्रैक्टिस हो। I see a positive side to it. Your time period in a law office would be very decisive in shaping you as a criminal practitioner. सबसे पहली बात ये भी अक्सर सवाल होता है कि क्या दोनों प्रैक्टिसेस साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली की जा सकती हैं, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल, या अगर पहले एक में आगाज़ किया जाए तो वो कहाँ से हो। मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि एक दफ़ा जब आप क्रिमिनल प्रैक्टिस का फ्लेवर ले लेते हैं, यू डोंट फील लाइक डूइंग सिविल वर्क। Civil comes across as time consuming, as boring, not very engaging, not very thrilling, does not involve interesting facts. Iski example aap aise le le, watch the television programs Pakistan mein mukhtalif 40 channel chal rahe hain, to kaun si story hai jo chalti hai, jo bikti hai, jo dekhi jati hai? Civil दीवानी कोई लिटिगेशन ज़मीन जायदाद की कोई नहीं देखना चाहेगा। खामद ने बेदर्दी से बीवी को कत्ल कर दिया, चार बच्चे, देखा जाता है। मूवीज़ देख लें जो बैठा के रखती हैं आपको, बांध के रखती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है उनका सारों का?
सिविल तो नहीं होता, बहुत कम होता है. सो क्रिमिनल फॉर श्योर बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा थ्रिलिंग, बड़ा एंगेजिंग, फैसिनेटिंग, फैक्चुअल बेस्ड. रोज एक नई कहानी, नई स्टोरी, उस पर आपने लॉ लगाना है. बट ये कहना कि फौजदारी सिर्फ दो किताबों का लॉ है और फौजदारी सिर्फ फैक्ट बेस्ड लॉ है, तो ये दुरुस्त नहीं है. मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मुझे 20 साल हो गए, मुझे तो अभी तक फौजदारी की मुकम्मल समझ नहीं आई है कि फौजदारी क्या है. इतना वास्ट है, अभी भी हम बैठे होते हैं और सिचुएशंस में फंसे होते हैं. हर रोज़ एक नई सिचुएशन होती है जिसे आपने डील करना होता है. लॉ एक्सपेंड कर रहा है, तो आप एक तो ये देख लें कि अगर आपने फौजदारी करनी है तो कैसी करनी है. मैं उसकी भी मिसाल दे देता हूँ. आपने सरफेस पे रह के स्विमिंग करनी है कि मैं सिर्फ बेल्स और रिट पिटिशंस का वकील हूँ फौजदारी का, या आपने डीप सी बेड में जाना है कि मैं इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेट ट्रायल्स अपील्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गहराई में फौजदारी जानता हूँ, मैं वो करूँगा. सो फौजदारी भी दो किस्मों की है, सरफेस पे रह के करने वाली, दरमियान में रह के करने वाली और डीप सी बेड में. और हर फौजदारी का, हर लिटिगेशन का क्लाइंट है, हर जिन्होंने 2020 का राउंड खेलना है उनकी भी प्रैक्टिस है, जिन्होंने वनडे का मैच खेलना है उनकी भी है, और सबसे नीचे टेस्ट मैच है. ये जी एक ट्रायल चल रहा है, ये एक कंटेस्टेड अपील चल रही है. सो वो ऊपर रह के 2020 का मैच इधर उधर से देख के, थोड़े से रसाले पढ़ के, थोड़ा सा कोर्ट में बैठ के, थोड़े से दोस्तों से मशवरे करके, यू कैन डू दैट. क्लाइंट के साथ भी ज्यादती नहीं होगी, यू कैन डू रीजनेबली वेल इवन विदाउट अ प्यूपल मास्टर. बट अगर आपने उससे ज़रा सा नीचे जाना है तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे, फिर क्लाइंट के साथ ज्यादती हो जाएगी. अगर काम नहीं सीखा हुआ और काम नहीं आता और उस काम में हाथ डालेंगे तो वो मुनासिब नहीं है. और क्लाइंट भी बहुत शरूर है, वो ढूंढता है. मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ. आपने जो अपने किसी लव वन का, अपने वालिद का, वालदा का कोई ऑपरेशन कराना है, तो आप फिर कहते हैं कि मैं इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट चाहता हूँ जो सुबह शाम यही काम दिल का ऑपरेशन करता है, या लंग्स का करता है, या किडनीज का करता है, या ऑप्टोमोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, मैक्सिलोफेशियल सर्जन है. आप जाते हैं और आप उस फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाते हैं और उससे अपना काम करवाते हैं. बहुत बहुत बड़ी लिटिगेशन है जो सिर्फ एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहती है. लिफाफों में भी फ़र्क है. 2020 के मैच के लिफाफे का साइज ये पतला, इससे ऊपर नहीं होगा. और जिन्होंने वनडे का मैच खेलना है या टेस्ट मैच का खेलना है, उनका उनकी फाइल का साइज ये होगा या ये होगा. देख के हम वकील वॉक करके आ रहा होता है तो उसका चलने के अंदाज से, असिस्टेंट से, किताबों से, फाइल की वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है कितना खतरनाक वकील है या कितनी तैयारी करके आया हुआ. या अगर मैं ऐसे बैठा हूँ तो पता चल जाएगा कि मेरी यूनिफॉर्म यूं बैठ बैठ के यहाँ से उड़ गई है, तो फिर डरे मेरी यूनिफॉर्म से कि काफ़ी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, कि सीजन्ड प्रैक्टिशनर है. रोज़ कोट पहनता है, कभी कभी नहीं पहनता, रोज़ पहनता है. तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने सोचनी और फैसला करना है कि आपने किस लेवल पे जाके क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है. बहुत आपको मेरा फ्रॉम डे वन, जब मैंने फौजदारी तब शुरू की थी तो पूछा गया क्या चाहिए. इफ़ यू वांट टू मेक मनी, क्रिमिनल प्रैक्टिस इज़ नॉट दी फील्ड फॉर यू. ये तो शौक वाले लोगों के लिए. तो हाँ, अलबत्ता इफ़ यू विल डू वेल यू विल ब्रांच ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस. अटेंशन और लाइमलाइट काफ़ी रहती है क्रिमिनल लॉयर्स के ऊपर रादर देन, और ये बात दुरुस्त है, मिलती है. आप लाइमलाइट में रहते हैं, आपको तवज्जो मिलती है.
तो आपने क्रिमिनल प्रैक्टिस को बेहद शौक ना हो, बेहद पैशन ना हो, बेहद कमिटमेंट ना हो, तो तब तक इसमें, और मैं 2020 के फॉर्मेट को अप्रूव नहीं करता पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि उसमें गलतियां हो जाती हैं, उसमें किसी का टैलेंट नहीं पता चलता, ना सीखने वाले का ना परफॉर्मर का, वो तभी पता लगता है अगर आपने वो जो चिल्ला है वो काटा हो। तो चिल्ला काटा जाता है 3 सालों में कम अज कम। उसके लिए जो बहुत ऑब्जर्वेंट है, बहुत कमिटेड है, बहुत फोकस्ड है, जो बहुत कमिटेड फोकस नहीं है उसके लिए 3 साल नहीं, उसके लिए 5-7 साल। और वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं आपको कामयाबी की। ये भी बता दूं, बहुत कम मैंने एक्सेप्शनल केसेस, कोई 1-2 देखे होंगे, मैंने किसी वकील साहब के पास 10 साल से पहले कामयाबी आते देखी नहीं। 10 साल तक कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से काम करते रहेंगे तो आपको 10वें साल वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी ऑफ सक्सेस, वो भी तब अगर आप खुद जो है वो एक मेहनत एफर्ट कर रहे हैं। और वेर एवर यू गो, पहली पेशी पर जल्दी नाम बनाना है जल्दी, तो ये ना हो कि दूसरी दफ़ा आप जज साहब के पास पेश हों तो उनको आपका नाम ना पता हो कि कौन हो। पहली पेशी काफ़ी हो कि वो आपको याद रखें कि लास्ट टाइम आप तब आए थे और तब वो केस में असिस्ट किया था और वो मुझे सारा याद है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू लीव एन इम्पैक्ट बिहाइंड यू। एंड हाउ वुड यू लीव दैट इम्पैक्ट बिहाइंड यू? वो सिर्फ फलसफा और अंग्रेज़ी बोलने से तो नहीं इम्पैक्ट आता जब तक आपका सब्सटेंस नज़र ना आ रहा हो। सब्सटेंस कब नज़र आएगा? सब्सटेंस तब नज़र आएगा जब पल्ले कुछ होगा। तो उसके लिए आपको प्यूपलेज और फाइंडिंग द राइट मेंटोर एंड द राइट सीनियर एडवोकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप उस सीनियर से बड़ा कुछ सीखेंगे, फाइल पकड़ना सीखेंगे, फाइल बांधना सीखेंगे, फाइल ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, केस पढ़ना सीखेंगे रात को कि केस को अप्रोच कहाँ से करना है आपने। सारी तैयारी तो रात को होती है। मैंने ये अंडरस्टैंड किया, बड़े से बड़ा सर्जन वो पेशेंट बुलाता है, देखता है और कहता है ये सर्जरी है। मैंने कुछ अपने रिलेटिव्स को जब अकॉम्पनी करता हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले डॉक्टर 15 मिनट के लिए अपनी टीम को लेकर साइड पर ज़रूर जाता है और बैठ के पेशेंट को डिस्कस करता है। असल स्ट्रेटजी, मोडस ऑपरेंडी के ऑपरेशन कैसे करना है, वो सुबह 9 बजे से पहले 10-15 मिनट वो बैठते हैं। सो 15 मिनट की स्ट्रेटजी वहाँ होती है और बाकी तय अंदर ऑपरेशन के साथ साथ गो विद द फ्लो होता है कि कैसे चलना है। एक गेम प्लान, एक स्ट्रेटजी होती है कि अप्रोच कैसे करना है आपने। सो हर केस, हर अच्छा केस, उसके पीछे एक टीम वर्क होता है। पहले आप उस टीम के मेंबर होते हैं, फिर एक टाइम आता है आप उस टीम को हेड करते हैं। जब तक टीम मेंबर नहीं बनोगे, टीम प्लेयर नहीं बनोगे, तब तक टीम को हेड नहीं कर सकोगे। मैं नो कि मेरे पास और कितना टाइम है, राइट? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? सिर्फ तैयारी करने से आता है, और कोई तरीका नहीं है कॉन्फिडेंस लेने का। आप हार्ड वर्क एंड प्रेपरेशन गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू एंटर इनटू अ कोर्ट रूम। और केस प्रेपरेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आप अपने चेंबर के साथ जब एसोसिएट रहते हैं तो आप सीखते हैं मुख्तलिफ स्किल्स एंड आर्ट्स, सच एज नंबर 1, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या चेंबर ज्वाइन करना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स ज़रूरी है। द लॉ इन बुक्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द लॉ इन एक्शन। आपको यही नहीं पता
अगर आपको अगर ये मौका मिल जाए, आप इनडायरेक्टली इतना कुछ लर्न कर रहे होते हैं एक चेंबर से, आप ये सीख रहे होते हैं मेरा उस्ताद बैठता कैसे है, वॉक कैसे करता है, क्लाइंट्स को कैसे डील करता है, कितना मशवरा देता है पहली मुलाकात में, केस कैसे इंगेज हुआ जाता है, कौन सा केस एक्सेप्ट किया जाता है, कौन सा केस रिजेक्ट किया जाता है। फौजदारी है, खतरनाक काम है, खतरा कैसे अवॉइड करना है अपने लिए, ये बहुत गहरी बात है, ये इतनी लाइट बात नहीं है कि फौजदारी करनी है, क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है। आपका उस्ताद सिखाएगा आपको कि आपने घूर के देखना है तो अपने नोट्स और फाइल को देख लो, मुखालिफ वकील या मुखालिफ लिटिगेंट को उसको आई कांटेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या लेना है आपने उससे, वो तो ही लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, लुक मी इन द आई, यू डोंट हैव टू लुक हिम इन द आई, यू लुक एट योर वर्क, यू डू योर वर्क एंड वॉक आउट, राइट। सो क्या करना है क्या नहीं करना, ये आपको आपके उस्ताद बताएंगे जब आप उनके साथ काम करेंगे फौजदारी प्रैक्टिस में। ऑफ कोर्स सेम गोज फॉर सिविल, सेम गोज फॉर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। सो मशवरा कितना देना है, केस को किस एंगल से देखना है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग का आर्ट, ड्राफ्टिंग की स्किल, ड्राफ्टिंग कैसे, ड्राफ्टिंग तो एक दिन पहले बोले बगैर जाए बगैर अपॉर्चुनिटी है, लिख कर मना लो। तो अगर आप लोग ट्रेंड ये है कि लिखो ही कुछ ना, तो लिखना भी कुछ नहीं, अदालत में जाके बोलना भी कुछ नहीं, तो मोजे तो मेरा ख्याल नहीं होते। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यू हैव टू अपॉर्चुनिटीज, वन टू राइट वन टू स्पीक, बोथ अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट, मिरेकल्स विल नॉट हैपन। यू हैव टू write your case, you have to develop your case, you have to paint a picture, you have to convince the judge, and it is a very effective tool. With the help of, you will not get a very patient hearing in the morning in the court, but all the time if the judge knows he or she writes well with logic, without wasting time, relevant facts. So drafting skill is very important. Kahan se milega? बहुत ज़्यादा केस लॉ पढ़ के, बहुत सारे ड्राफ्ट्स पढ़ के, देख करके डिक्टेशन कैसे दी जाती है। और मैं एक और चीज़ भी आपको मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसको मैं अडॉप्ट करता हूँ, आज दिन तक अडॉप्ट करता हूँ, कि मैं अगर कहूँ मैंने सब कुछ अपने उस्ताद का ही अडॉप्ट करना है, तो शायद वो इतनी अकलमंदी ना हो, जिसका जो अच्छा लगता है मिलता है उठा लो, जिसकी किसी की एडवोकेसी पसंद है, किसी की ड्राफ्टिंग पसंद है, किसी की केस लॉ रिसर्च पसंद है, किसी की क्लाइंट हैंडलिंग पसंद है, किसी की कोर्ट हैंडलिंग पसंद है, उसको अपनाएं। पॉजिटिव साइड्स जितनी आपको दिखती हैं उनको आप जहां से जो मिलता है उसको लें, कोर्ट्स में बैठें, कोर्ट्स में बैठ के ऑब्जर्व करें, जजेस को देखें, वॉच अ वैरायटी ऑफ लॉयर्स, हर वो वकील जिसने नाम पैदा किया होता है कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है उसकी, कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल उसका स्किल होता है, उसके पास कोई आर्ट होता है, वो आर्ट अगर आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें या अडॉप्ट करना चाहें तो उसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। सो ड्राफ्टिंग होल्ड्स अनॉर्मस इम्पॉर्टेंस इन अ क्रिमिनल ट्रायल। आजकल ट्रेंड है कि लिखकर भी कुछ नहीं दिया जाता, केस लॉ असिस्टेंस भी नहीं दी जाती, ग्राउंड्स में भी कुछ नहीं लिखा जाता, एंड आई ऑलवेज इनकरेज माय एसोसिएट्स दैट यू मस्ट पुट योर केस इन ग्राउंड ए बी सी डी ई, ज्यूरिसप्रूडेंस वुड फॉलो लेटर, जजेस डोंट हैव मच टाइम द नाइट बिफोर, बट इफ दे थिंक दैट यू, और उनको पता होता है कि कौन से वकील साहब हैं जिनका ड्राफ्ट पढ़ना है। मैं आपको एक जज साहब की बात बताता हूँ, कहते हैं मैं रात को कॉज लिस्ट देखता हूँ और मैं वकीलों के नाम पढ़ता हूँ, मैं वकीलों के नामों पे टिक लगा देता हूँ कि ये वो वकील हैं जिन्होंने असिस्टेंस दी होगी, और वो बहुत कम है, उनका मैं ड्राफ्ट पढ़ लेता हूँ, और रात को ही
मैं नहीं समझता कि जो जज साहब केस पढ़ के आते हैं वो सुबह बैठ के माइंड बनाते हैं। इन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस माइंड बना होता है, बल्कि कोड वर्ड ऊपर लिखा होता है रिलीफ देनी है नहीं देनी, आपको नहीं पता चलेगा, उनका अपना एक सोच होती है मैंने रिलीफ देनी है नहीं देनी। बाकी तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होती है, लेनी है तो ले लें, वो भी गई, केस प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बड़े बड़े अच्छों से केस प्रेजेंट नहीं होता। मेरे ऊपर बड़े बड़े अच्छे दिन आते हैं, बड़े बड़े बुरे दिन आते हैं। एडवोकेसी आमद है, किसी दिन बहुत अच्छा फ्लो और किसी दिन बहुत अच्छी तैयारी और बहुत बुरी परफॉर्मेंस। यू कैनॉट गारंटी योर परफॉर्मेंस इन द कोर्ट व्हेन इट कम्स टू एडवोकेसी। बड़े मुश्किल हालात जो हैं वो बन सकते हैं, कोर्ट के बन सकते हैं। मैं बहुत अच्छा तैयार होकर गया हूँ 9 बजे, जज साहब कहते हैं आपका केस आफ्टर लंच सुनूंगा 2:30 बजे। मैं 2:30 बजे मुझसे केस आर्ग्यू नहीं होना, ना उन्होंने वैसे सुनना है ना मैंने वैसे आर्ग्यू करना है। हालात तो बदल गए ना केस के, कि केस 9 बजे से 2:30 बजे पे चला गया, वो थक के बैठे हैं ना, वो उतने रिसेप्टिव हैं ना, उतना टाइम मिल रहा है, आप भी एग्जॉस्ट हैं, सो कैसे करेंगे सिचुएशन से आप भी। एडवोकेसी, पब्लिक स्पीकिंग, डिबेटिंग सोसाइटी, दिस इज एडिक्शन। और पब्लिक स्पीकिंग इज नेवर इजी। यू एंड व्हाट इज इट इन द लॉन्गर टर्म दैट यू आर गिविंग टू द सोसाइटी और टू योर क्लाइंट्स। यू आर टेलिंग पीपल कम हायर मी, माई एंगेज माई सर्विसेज, आई कैन स्पीक फॉर यू। तो अगर बोलना ही ना आए तो फायदा, यू हैव टू प्रेजेंट योर केस। सो एडवोकेसी ऑल्सो इज समथिंग विच यू वुड लर्न फ्रॉम योर प्यूपल मास्टर, फ्रॉम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। वॉच वैरायटी ऑफ लॉयर्स, वॉच देयर स्टाइल, ट्राई टू अडॉप्ट देयर स्टाइल। मुझे आज भी आई एम ऑन अ लुक आउट फॉर अ गुड स्पीकर। और बाज़कात अब इंटरनेशनली आप निकल जाते हो, जिसकी जो अच्छी चीज़ आपको मिलती है वो आप ज़रूर अडॉप्ट करो अपने एडवोकेसी स्किल्स में, बिकॉज एवेंचुअली इन पाकिस्तान अ गुड लॉयर इज mostly gauged by his court presentation skills, by his advocacy skills in criminal practice. Ek bada interesting topic hai. You can aksar sawal hota hai, wakala ka, hamari apni community mein to hum ek dusre ka bada regard karte hain। आप जैसे ही किसी से अपना तारुफ बाहर कराते हैं, आई एम अ लॉयर, तो वो एप्रीहेंसिव हो जाता है थोड़ा सा अबाउट यू। तो मैं अक्सर कहता हूँ वो हमें क्यों नहीं, बार काउंसिल ने बड़े फ़खर से अनाउंस किया कि अब हर वकील को लोन मिलेगा और गाड़ी मिलेगी, तो ख़ुद से क्यों नहीं मिल सकती हमें गाड़ी, और ख़ुद से हमें लोन क्यों नहीं मिल सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि एंड में रिश्ता भी खाला फूफो के घर से ही मिलता है, बाहर से नहीं मिलता। वहाँ पर भी वकील को डिसएडवांटेज है कि तो ये दिक्कतें क्यों हैं इस प्रोफेशन के साथ और इस इमेज के साथ, वो आपको। इफ़ यू वांट यू कैन प्ले विद अ स्ट्रेट बैट इन क्रिमिनल प्रैक्टिस। There is no need to play cross bat. आप दयानतदारी से, ईमानदारी से अपनी मुखलिस, आप अपनी जो भी सर्विसेज हैं आप अपने क्लाइंट्स को दें। Never go out of the way. Never go out of the way to secure a conviction or an acquittal for your client. Do your duties only, whatever the duty is. जहाँ तक ड्यूटी है उसको पूरी तरह से निभाएं, आउट ऑफ द वे नहीं जाना कि कोर्ट का ऑर्डर है कब्जा भी मैं छुड़वा के दूंगा, या ये जेल से कैदी छुड़ाना है मैं भी आपके साथ गाड़ी में बैठ के साथ जाऊंगा,
और जब आप उसके बाद when you blow the trumpet, मैं भी साथ मौजूद हूँगा. There is no need to do that. These are the things which you learn. And of course, do not, if you, once your client makes a confession, once your client makes an admission before you, professional ethics का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है. हम जिन उस्तादों से सीखें, मैं छः पाँच छः बहुत ज़बरदस्त फौजदारी के वकील बता देता हूँ, उन्होंने कभी अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. मरहूम एजाज बिटालवी साहब, मरहूम ख्वाजा सुल्तान साहब, मरहूम फ़रुख आफ्ताब साहब, जाहिद बुखारी साहब मरहूम, और अभी आप देखें ख्वाजा हारिस साहब, मुनीर भट्टी साहब, ये सारे दे ऑल माशाल्लाह दे हैव प्लेड देयर इनिंग्स और बड़ी साफ शफाफ जो है इनिंग्स जो हैं वो आज दिन तक खेली हैं. तो फौजदारी में ये एक गलत परसेप्शन है कि जी आपको अपने प्रिंसिपल्स पे या लीगल एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. नहीं करना पड़ता कॉम्प्रोमाइज़. आप इसको, मैं लेक्चर को काफ़ी आप लोगों ने तहम्मुल से यू हर्ड वेरी पेशेंटली. If you have any questions, I would repeat your question for the sake of recording as well. कि आप क्या पूछ रहे हैं, मैं आपसे पर सवाल ज़रा सोच समझ के पूछें. सर आप सबसे पहले पूछें. थैंक यू वेरी मच. आपका सवाल ये, प्लीज़ आप तशरीफ रखें, कि पाकिस्तान का जो स्टेटिस्टिक्स में डिस्पेंसिंग जस्टिस इतना डिसअपॉइंटिंग फिगर और राइट टूवर्ड्स द बॉटम और एंड पाकिस्तान क्यों फॉल कर रहा है, उसकी क्या वजह और इसका क्या सलूशन है. सबसे पहली बात ये कि ये रिपीटेडली मुख्तलिफ महफिलों में ये बात हो रही है एंड आई थिंक एवरी वन इज़ कॉन्शियस. और आपने भी पहला सवाल ये डाला है. So all the parties involved in dispensing justice must be mindful of the fact that internationally our image has been tarnished with these latest findings. Or khaas taur pe aap ye log jo ye rankings dete hain ye mujhe email bhejte hain. Teen aise mukhtalif survey wali companies hain internationally, idare hain jo mujhe, they reach out to me ki aap ye hamara ek form hai और वो बड़ा घुमाने वाला फॉर्म है, आप ये प्लीज़ फॉर्म फिल आउट करके हमें भेजिए. वो पीछा करते हैं. सो इट इज़ उनका जो भी सर्वे होता है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रॉपर सर्वे. किसी एक वकील से नहीं, वो 100 लोगों को टैप करते हैं, केपीके से लेकर बलूचिस्तान से सिंध पंजाब सब कवर करते हैं. बात ये है कि हमने वक्त के साथ, मैं तो सिर्फ कुछ रोशनी फौजदारी पर डाल सकता हूँ कि फ़ौजदारी में जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पे हमारे पास सज़ाए मौत है, क्या क्राइम स्टेटिस्टिक्स क्राइम रेशो कम हुई है? नहीं हुई. क्या यहाँ पर आप केसेस की तादाद देखें क्या जा रही है, 150 केसेस हैं जो हो रहे हैं. जजेस के ऊपर मैं सिंपथाइज करता हूँ थोड़ा सा जुडिशरी के साथ भी, कि जो आप देखें कि कितने ओवरवर्कड हैं. लाहौर हाई कोर्ट के आप फाजिल जजेस को देख लें, जब आपके बेल का नंबर, प्री अरेस्ट का नंबर 103 हो और जज साहब भी 4:30 बजे तक बैठे हुए काम कर रहे हो, तो वी आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे. बात यह है कि क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन, स्टेटिस्टिक्स, पुलिसिंग के ऊपर काम नहीं हो रहा. झूठ बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, झूठे गवाह बहुत ज़्यादा हैं, झूठ का पलंदा बहुत ज़्यादा है. 8-10 को मुलव्वस किया जाता है, एंड में बंदा एक निकलता है. 8-9 सिस्टम से गुजरते हैं, कोर्ट्स भी मसरूफ़, डिले भी है, रेपुटेशन भी ख़राब है. सो निज़ाम में जो बेहतरी आनी चाहिए थी, ये एक बात है डिस्टर्बिंग कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं समझता था ये एबिलिटी और पोटेंशियल रखते हैं इन करेक्टिंग, रिफॉर्मिंग एंड रीवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एटलीस्ट ऑन दिस साइड, कि बेहतरी कैसे लाई जाए टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द कंट्री. जहाँ इमेज इम्प्रूव करना होता है ना कर लेते हैं. मैं आपको दो मिसालें दे देता हूँ.
ह्यूमन ट्रैफिकिंग ने पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब किया। आज से 10 साल पहले रोज़ के 10-10 20-20 मुकदमे बने होते थे 17-22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के इलीगली लोगों को बाहर भिजवाने के। आज एक भी नहीं है वो केस, कंट्रोल किया है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को, 780A को कंट्रोल किया है। अब दहशतगर्दी की बिला वजह की फजूल की एप्लीकेशन गलत मुकदमों में लग रही है, जजेस उसको दुरुस्त करें। सो जिस काम के पीछे हम लग जाएं वो काम कर सकते हैं। सो खुशाइंद बात ये है कि पॉइंट आउट हो गई है, आइडेंटिफाई हो गई है ये इशू, और एवरीवन इज़ कॉग्निजेंट ऑफ दिस लेटेस्ट कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल वर्ल्ड के पाकिस्तान में ये हालात है। वी कैन ओनली होप एंड इम्प्रूव कि ये बेहतर हो। जी सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच। सलमान मान साहब का क्वेश्चन ये है कि क्या डिफेंस ऐसे लोगों की नुमाइंदगी कर सकता है जो लोग, जिनकी परसेप्शन सोसाइटी में गलत हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी बात हो रही है कि नूर मुकद्दम के जो अलेजेडली किलर हैं, वी हैव टू बी केयरफुल बिकॉज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जो अलेजेडली जो किलर हैं उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। या सियालकोट बार कहती है कि ये वो लोग हैं जो, जिनको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी इन द लिंचिंग केस। आई थिंक जो हमें प्रोफेशनल एथिक्स बताते हैं, वंस योर क्लाइंट कम्स टू यू एंड सेज आई एम नॉट गिल्टी, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर इंट्यूशंस, योर परसेप्शन, योर सिक्स सेंस, योर प्रमनेशन इज, ही डिजर्व्स योर रिप्रेजेंटेशन इफ ही सेज आई एम नॉट गिल्टी। दिस इज द स्टैंडर्ड, दिस इज द प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई डिसअप्रूव के लॉयर्स आर क्रिटिसाइज दैट वाई आर यू रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, ही डज नॉट डिजर्व इवन अ लॉयर, दिस हैज नेवर बीन द मंशा ऑफ लॉ एवर। प्लीज लास्ट, जी आप पूछे फिर सर आपके पास आऊंगा, जल्दी से पूछे जी सवाल। थैंक यू वेरी मच। ऑल्दो आपका क्वेश्चन की रेलेवेंस मेरे आज के टॉपिक से बहुत ज़्यादा नहीं है, बट नेवरदलेस आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई द क्यूरियस माइंड। देखिए बात ये है कि अवेयरनेस इस बात की है, लॉ कॉलेजेस में अब जो पाकिस्तान बार काउंसिल भी और पंजाब बार काउंसिल भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आ रहे हैं, तो बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स आ रहे हैं ऑन द इंस्टीट्यूट्स एंड ऑन द करिकुलम एंड ऑन द एडवोकेट्स एंड ऑन द डिग्रीज, और इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ओनली द सीरियस, ओनली द कमिटेड, ओनली दोज हु हैव अटेंडेड द क्लासेस, दे एंटर द लीगल प्रोफेशन। और फिर उनके ऊपर एक टेस्ट की भी कंडीशन लगा दी गई कि आपकी अगर काबिलियत है, आपका मेरिट है, तो वो छुपे ना, वो ज़रूर सामने आए। और टेस्ट भी एक लिया जा रहा है एज अ फाइनल बैरियर टेस्ट, आपने उसको ओवरकम करना है। तो इसके ऊपर भी एक्टिवली टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज काम हो रहा है कि लॉ कॉलेजेस के हालात, जैसे पार्ट टाइम क्लासेस, इवनिंग क्लासेस को भी डिस्करेज किया जा रहा है। ये हो चुका है कि नॉन सीरियस लोग जो हैं, जो कि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री, लोग आके अपना जिंदगी मौत और बड़े हाई स्टेक्स के कंसर्न्स, अपने ग्रेवेंसेज आपके सपुर्द करते हैं, तो यू हैव टू बी एब्सोल्यूट प्रोफेशनल। जी सर आप सवाल पूछें। सर थोड़ा सा प्लीज ऊंची बोलिए। Thank you.
आपका अच्छा सवाल है। आपका सवाल ये है कि सजाए मौत ऑल्दो लॉ में मौजूद है, मगर क्यों नहीं एग्जीक्यूशंस आजकल हो रही हैं और क्यों उम्र कैद की तरफ ट्रेंड ज़्यादा है? इसकी वजह कोई पॉलिसी है, कोई प्रेशर है? देखें, पाकिस्तान के ऊपर हमेशा से मैं डेथ सेंटेंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में, आप 302 बी में आने से पहले आप 302 ए में ज़रा आइए कि हमने किसास की पनिशमेंट रखी हुई है। पनिशमेंट आई फॉर एन आई, टुथ फॉर अ टुथ, यू नो, पनिशमेंट टू बी इन्फ्लिक्टेड ऑन द सेम बॉडी पार्ट। क्या उस तरीके से कोई एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में आज दिन तक हुई है? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड नोटिस, नन। मगर नेवरदलेस ना हमें वो 302 ए की क्वालिटी की एविडेंस मिलती है इन मर्डर केसेस। जहाँ तक सवाल है सजाए मौत का, देखें, सजाए मौत शुड ओनली बी रिजर्व्ड फॉर दोज ब्रूटल प्रीमेडिटेटेड कैलस, जहाँ पर एक्सट्रीम डिसरिगार्ड शो किया जाए फॉर ह्यूमन लाइफ एंड वेयर द पर्सन इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी एंड द कम्युनिटी। ऐसे लोगों के लिए रिजर्व रखना चाहिए दैट इफ रिलीज्ड ही वुड बी अ थ्रेट टू द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। मिटिगेशन का कॉन्सेप्ट जो रिड्यूस करता है क्वांटम ऑफ सेंटेंस को फ्रॉम डेथ टू लाइफ, अनफॉर्चुनेटली उसमें काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस अब आ गए हैं और ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो कि मिटिगेशन में शुमार नहीं होते थे। फॉर इंस्टेंस मोटिव, फॉर इंस्टेंस सिंगल फायर है विदाउट रेपिटेशन। बहुत साल, मेरा ख्याल है कई सौ लोग इस बुनियाद पर बरी हुए हैं कि जी सिंगल फायर है विदाउट रेपिटेशन। सो अगर सिंगल फायर दिमाग, गर्दन, वाइटल पार्ट या दिल में उतार दिया जाए तो काफ़ी है, दूसरा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इंटरनेशनल प्रेशर्स यकीनन है, पॉलिसी यकीनन है, ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है, वकील साहब को कहा जाता है प्लीज़ ढूंढें तो सही, नहीं भी अगर मिलता तो खुद फाजिल जज साहिबान आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये भी आपकी मिटिगेशन है, आपको नज़र नहीं आ रही। सो कोशिश यही होती है, मगर सज़ा तो सज़ा होती है। मेरी नज़र में सज़ाए मौत शायद आसान है, उम्र कैद जो है 25-4 साल, जिसको आप 14 ईयर्स या 15 ईयर्स करते हैं, इट्स अ वेरी सब्सटेंशियल पीरियड टू अंडरगो, बहुत टाइम लगता है। तो होना चाहिए, इस पे भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि डेथ सेंटेंस को अगर आपने रिजर्व करना है तो किन केसेस के लिए आपने करना है। विद दैट, कोई और आप, जी मैडम, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं? एनीवन, एनी, जी, थैंक यू वेरी मच, जी प्लीज। Delayed is justice denied. Lot of delays occurring and occasioning on the in dispensing justice in Pakistan. Let me please speak for criminal litigation. Criminal litigation is much more quicker than civil litigation. I don't come across cases जो हमारे दफ्तर में डेढ़ से दो साल से ऊपर पड़े रहें और कंक्लूड ना हो। तो अगर आप किसी भी क्रिमिनल प्रैक्टिशनर से पूछेंगे कि कितना टाइम लगता है, सो क्राइम रेशो, क्राइम स्टेटिस्टिक्स, जब वो कंट्रोल नहीं होंगी, जब वो ऊपर से ऊपर जा रही हैं, क्या फ़ायदा सजाए मौत देने का अगर अगले साल मर्डर उससे भी ज़्यादा कमिट हो रहा है? पनिशमेंट इज़ नॉट सर्विंग इट्स पर्पस। सो व्हेन कंपेयरिंग सिविल विद क्रिमिनल, क्रिमिनल इज़ मच मोर क्विकर इन गेटिंग यू रिलीफ देन द सिविल साइड। With that, I would beg leave.
सर थैंक यू वेरी मच, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ एंड परहैप्स दिस वाज वन ऑफ द कंसिडरेशन व्हाई आई डिसाइडेड टू बिकम अ क्रिमिनल लिटिगेटर बिकॉज आई वाज क्लियर इन माय हेड दैट क्रिमिनल इज स्विफ्टर क्विकर एंड अ क्विक राउंड ऑफ लिटिगेशन होती है रिजल्ट्स यू सी इन योर लाइफ टाइम और वो आपकी बात सुन के वो बस में मुझे मैं पंजाबी की एक बात ही कह सकता हूँ कि कीती दीवानी तो गई जवानी सर ये यही देखा गया है कि बड़ा टाइम लगता है और वो लूडो के पीछे वो जो स्नेक है कि वो 99 से डसता है तो वापस बैक टू स्क्वायर वन केस रिमांड होके आ जाता है तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सिविल में डिले सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वुल्फ रिफॉर्म्स बड़ी फेमस हैं बरतानिया में, उन्होंने उस पर काम किया बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये आ रहे हैं इशूज़। बट जितने ज़्यादा ऐसे सेमिनार्स होंगे जितनी ज़्यादा बात होगी, जैसे बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के ग्राफ की, बड़ी अच्छी बात की लाइफ एंड डेथ कैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है और जैसे आपने ये बात की तो ये सारे वो ये आवाज़ ही हैं ना, ये वॉइसेज ही हैं जो पहुँच रही हैं जा रही हैं पहुँचेंगी हर जगह कि ये कंसर्न्स हैं लीगल कम्युनिटी के। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द टॉक वेरी पेशेंटली एंड इंशाल्लाह आई होप दिस वाज ऑफ सम यूज़ टू यू। थैंक यू वेरी मच।